विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। कौन है ये जिसके आगमन से मुझे किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है? अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। अनुज गणेश, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि चाहे वो जो कोई भी हो, हमारे नंदी जी के समक्ष नहीं दिख पाएगा। नंदी जी उसे अवश्य ही संभाल लेंगे। मुझे रोकना तो दूर, तुम मुझे यहां से हटा भी नहीं सकोगे। उससे कहीं अधिक बलशाली हो तुम, किंतु मेरे बल के समक्ष नहीं टिक पाओगे तुम। मुझे अपने मार्ग से हटा करके तो दिखाओ, मैं तो अभी भी तुम्हारे मार्ग में ही हूँ। देखो अपने चारों ओर खींची हुई उस रेखा को, देखो दशानन, मैं तुम्हें इस रेखा के बाहर एक पग भी नहीं रखने दूंगा। मुझे किसी सीमा में बांधने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाएं फेंक रहे हो। पुनः चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, वो दुसाहस मत करो। जो बस बहुत हुई तुम्हारी एक क्रीड़ा, बहुत उछल लिए एक वानर के समान। ए तुच्छ वानर, दशानन को कदापि नहीं रोक सकता, किंतु ये अभी भी समझने में असमर्थ रही हो तुम। और ये वानर समान स्थिर बुद्धि में स्थिर कर लो और मत करो दशानन से टकराने का दुस्साहस। ए तुच्छ वानर, दशानन को कदापि नहीं रोक सकता। वानर वानर वानर, बहुत बार कह चुके तुम, तुच्छ वानर कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु अपमान और उपहास के पात्र तो तुम बनोगे दशानन। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी, और एक वानर तुम्हारा सर्वस्व नष्ट करेगा, और तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करके भी उसे रोक नहीं सकोगे। अज्ञात भविष्य का भय नहीं करता दशानन, वर्तमान में जीने का अभ्यस्त हूं मैं, जिसमें तुम मेरा मार्ग रोककर
मुझ पर शिलाओं को फेंक कर प्रहार कर रहे हो, तो तुम अब देखो तुम्हें कैसे दूर उठा के फेंकता हूं मैं। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। भैया मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि नंदी जी पर और कैलाश पर कोई संकट छाया है? भैया हमें स्वयं जाकर वहाँ देखना चाहिए। उचित कहते हो अनुज, चलो। रुको पुत्र, ये और कोई नहीं अवश्य ये दशानन, राक्षस राज दशानन, जिसका उल्लेख मामा जी श्री हरि नारायण ने भी किया था कि वो अपना अगला अवतार दशानन के बढ़ते अधर्म और दुराचार को नष्ट करने के लिए लेंगे और तब स्वयं पिताश्री उनके भक्त बनकर उनके सहायक बनेंगे। हाँ पुत्र, ये वही राक्षस राज दशानन ही प्रजापति ऋषि पुलस्य का पौत्र, ऋषि प्रजापति विशर्वा और उनकी पत्नी असुरों की राजकुमारी देवी कैकसी का पुत्र, असुरों का महाराज, स्वर्ण नगरी लंका का अधिपति, महादेव का परम भक्त, चारों वेद और छहों शास्त्रों का ज्ञाता, महाज्ञानी महापंडित है वो और इसीलिए उसके 10 शीश। अवश्य वो महाबली असुर पुनः सदा स्वामी को अपने साथ अपनी स्वर्ण नगरी लंका में ले जाने के लिए आया। पिताश्री को सदा के लिए ले जाने, वो भी कैलाश से? पुत्र, इसके पूर्व भी वो दो अन्य बार ये प्रयास कर चुका है और ये उसका तीसरा प्रयास है पुत्र। किसी भी अवस्था में इसे यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा, इसे इस प्रकार कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। नहीं नंदेश्वर जी, अब आप उसे और नहीं रोकेंगे, आप उसे सावधान कर उसे सचेत कर चुके हैं और अब ये भगवान और भक्त के बीच की बात, इसीलिए अब वो क्या करना चाहता है इसका चुनाव उसे स्वयं करने दीजिए। किंतु वो ये सब क्यों कर रहा है माँ? वो पिताश्री को बार बार अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? वो स्वामी का तो परम भक्त है ही, अपने माता के प्रति भी उसकी अपार भक्ति है और उनके एक आदेश पर वो बिना भला बुरा समझे कुछ भी कर सकता है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है पुत्र। वो जो भी कर रहा है अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही कर रहा है। किंतु माँ, उनकी माता क्यों चाहती है कि वो पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाए? क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने उनकी माता देवी कैकसी को दशानन की नियति बताकर उन्हें अपार चिंता में डाल दी। दशानन जिस पद का चुनाव कर रहा है उससे उसका अनिष्ट ही होगा देवी। दिन प्रतिदिन उसके अच्छे कर्म, ज्ञान और शिव भक्ति से संचित पुण्य उसके अत्याचार, अहंकार और अन्य पापों के कारण क्षीण पड़ते जा रहे हैं। उसका एक ही परिणाम है, उसका और समस्त असुर कुल का सर्वनाश। ये क्या कह रहे हैं आप असुर गुरु, संपूर्ण असुर कुल नष्ट हो जाएगा? हाँ देवी, क्योंकि विष्णु देव कब से प्रतीक्षा में हैं ही कि कब उन्हें अवसर प्राप्त हो और असुरों के विनाश हेतु वो अवतार धारण करें। वो असुर कुल द्वेषी तो हैं ही, इसलिए उनके पृथ्वी पर प्रकट होते ही मुझे लंका और लंकाधिपति एवं समस्त असुर कुल का
सर्वनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर इन असुरों के काल रूपी संकट को दूर करने का क्या उपाय है गुरुदेव? दशानन के आराध्य महादेव। महादेव? किंतु महादेव हम असुरों का साथ क्यों देंगे गुरुदेव? क्योंकि महादेव तो भोले भंडारी हैं। उन्हें तो सरल भक्ति से भी प्रसन्न किया जा सकता है, तो भक्ति के माध्यम से ही उन्हें लंका लेकर आना एकमात्र शेष उपाय है। और जहां महादेव होंगे वहां विष्णु कभी आक्रमण नहीं करेंगे। स्मरण रखिए देवी कैकशी, यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त हुआ तभी दशानन सुरक्षित रहेगा, यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त नहीं हुआ तो दशानन को विनाश से कोई रक्षित नहीं कर सकेगा। सागर का इतना दुस्साहस, अपने तरंगों से यहाँ स्थापित महादेव का प्रतीक उनके शिवलिंग को अपने भीतर समाहित कर लिया, इसका दंड तो मैं अवश्य दूंगा इस दुस्साहसी सागर को। प्रणाम माता, प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। सागर को मैं कठोर दंड दूंगा। इसने मेरे माँ के पार्थिव शिवलिंग को अपनी तरंगों में सम्मानित करने का दुस्साहस कैसे किया? अब मैं भी इसकी एक भी तरंग शेष नहीं रहने दूंगा, पूर्ण रूप से सुखा दूंगा इसे। पुत्र, सागर को सुखाने का कोई लाभ नहीं, किंतु यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ और इसी लंका में उनका निवास स्थापित करो, जिससे तुम्हारी माता प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर उनकी आराधना कर सके, उनकी आराधना कर सके। आप यही चाहती है ना माता? तो आपका ये पुत्र आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। यदि शिव यहां रहेंगे तो विष्णु देव लंका को नष्ट करने का विचार तक नहीं करेंगे, तो फिर ना तो मेरे पुत्र को क्षति पहुंचेगी, ना असुर कुल को और ना ही लंका को। तो माँ, क्या दशानन वास्तव में पिताश्री को लेने यहाँ आ पहुंचा था? हाँ पुत्र, उसने यहाँ आकर बिना अनुमति प्राप्त की। कैलाश के अदृश्य सुरक्षक चक्र से मेरे टकराव को मेरा प्रणाम ही समझिए प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु
शिव शंकर शंभु कैलाश में मुझे प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे तो आपको स्वयं मुझसे भेंट करने यहां आना ही होगा, क्योंकि ये आपका परम भक्त आपको लेने आया है और रिक्त हाथ लौटना मेरा स्वभाव नहीं। जय शिव शंकर शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे शिव शंकर शंभु, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। दर्शन दीजिए मुझे प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। प्रतीत होता है मेरी भक्ति, मेरा आपके प्रति समर्पण में कुछ कमी शेष है महादेव, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन दीजिए प्रभु, मैं दशानन आपके दर्शन प्राप्त करने हेतु अपना प्रथम शीश आपको समर्पित करने जा रहा है। अब दशानन आपको अपना द्वितीय शीश अर्पित करेगा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, दर्शन दे, दर्शन दे ही प्रभु। अभी आपको दशानन अपना दशम एवं अंतिम शीश समर्पित करेगा। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हुआ। मांगो दशानन, मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? तो क्या उसने पिताश्री को अपने साथ लंका चलने के लिए कहा? तो उसका क्या उत्तर दिया पिताश्री ने? दशानन अपने इष्ट, अपने प्रभु के निर्मल और पावन दर्शन का सुख पाकर इतना भाव विभोर हो गया, उनके दर्शन के परम सुख में इतना खो गया कि वो ये ही भूल गया कि वो यहाँ क्या प्राप्त करने के लिए आया था। शांत क्यों हो दशानन, कहो क्या वरदान चाहते हो तुम? संकोच मत करो, स्पष्ट कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। आपके चरणों की धूल, आपके चरणों की धूल चाहिए प्रभु मुझे। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में रक्त प्रभावित होता है प्रभु, आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में प्राण है महादेव, आपकी चरणों की धूल से ही
इस दशानन का मान है। आपके चरणों से ये धूली इस शरीर का वास्तविक आहार है। और जब ये पावन धूली अब मुझे प्राप्त हो ही गई है प्रभु, तो मुझे आपसे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तुम वास्तव में मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हो और तुमने वरदान स्वरूप मुझसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट की, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे तप के फल स्वरूप मैं तुम्हें अपना दिव्य खड़ग चंद्रहास प्रदान करता हूँ। अब तुम इसे स्वीकार करो वत्स। यदि तुम स्वयं अपने एवं इस खड़क पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकेगा। मेरा चंद्रहास मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा। तो उसने पिताश्री को अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा, बस चंद्रहास प्राप्त कर लौट गया वो। भक्ति का ऐसा ही अनोखा प्रभाव होता है, जिस पर उसका अनोखा प्रभाव छाता है वो उसी भक्ति में लीन हो जाता है और तब प्रभु के दिव्य दर्शन के समक्ष उसे और कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रसंग के उपरांत दशानन प्रभु महादेव के मन में अपना स्थान बना चुका था, किंतु ये उसकी माता के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुम्हें प्रभु शिव को लाने का आदेश दिया था और तुम ये क्या ले आए? मात्र खड़क चंद्रहास? ये मेरे आदेश की पूर्ति नहीं, मैं इससे कदापि संतोष नहीं। महादेव ने क्रीड़ा की सामग्री थमा दी तुम्हें और तुम प्रसन्न होकर लौट आए। भोलेनाथ के नाम से तो सारा जगत उन्हें जानता है, किंतु उनके सम्मुख तुम ही भोले बन गए। माता, ये दिव्य शक्तिशाली खड़क स्वयं महादेव का वरदान है, स्वयं प्रभु महादेव ने मुझे दिया है। किंतु मैंने भगवान का खड़ग नहीं स्वयं भगवान शिव को लाने बोला था तुमसे। असुरों के लिए अनेक विशेष अस्त्रों का निर्माण करने वाले असुर शिल्पी मायासुर है हमारे पास, और ऐसे लघु एवं तुच्छ अस्त्र बनाना तो उसके बाएं हाथ की क्रीड़ा है। किंतु शिव नहीं है लंका में, उन्होंने स्वयं अपने मुख से तुम्हें परम भक्त पुकारा था, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मुझे क्षमा करना माता, मैं प्रभु महादेव की भक्ति में मंत्रमुक्त हो गया था, किंतु अब पुनः ऐसा नहीं होगा। आप चिंता ना करें माता, मैं इस बार फिर जाऊंगा और महादेव को अपने साथ लंका अवश्य लेकर आऊंगा। फिर अगली बार जब वो कैलाश पहुँचे तो क्या हुआ माँ? जब वो प्रथम बार आए थे तब उन्होंने अपना शीश समर्पित किया था, तो अब क्या वो कुछ ऐसा ही करने वाले थे माँ? दशानन पर तो जैसे भक्ति का उन्माद छाया था, इस बार उसने अपनी आंत को ही अपनी शरीर से बाहर निकाल उसने वीड़ा के समान ध्वनित करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस बार मात्र प्रभु ही नहीं, मैं भी उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित हुई। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी यही भक्ति मेरे कष्ट का कारण बनेगी। स्वामी, अद्वितीय है आपका भक्त और उसकी भक्ति प्रभु। हम दोनों के दर्शन प्राप्त करने के योग्य है वो। वीणा कैसे आ गई? अवश्य मेरे प्रभु, महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है ये। जय शिव शंकर शंभु, आपने मुझे दर्शन दे धन्य कर दिया प्रभु। हे प्रभु, इससे पहले मैं आपका दिव्य मुख मंडल निहार कर आपकी भक्ति के सागर में फिर से डूब जाऊं। मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। मैं वचन देता हूं तुम्हें, जो मांगोगे तुम, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु वो वरदान आपकी पीड़ा का कारण किस प्रकार बन गया माँ? ऐसा क्या मांग लिया था दशानन ने जिससे आपको अपार वेदना सहनी पड़ी? क्या वो पिताश्री का आत्मलिंग था या फिर कुछ अन्य जो बहुत ही दुर्लभ था? बताइए ना माँ, क्या थी दशानन की मंशा? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई ईश्वरीय भक्ति से भक्त को क्षणिक लाभ तो अवश्य मिल जाता है, किंतु वो परम धाम एवं मोक्ष आदि नहीं जो सच्ची भक्ति से मिलता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।